सर, कोई भी पार्टी जो है बिना चंदे से बिना रुपयों से नहीं चलती। कांग्रेस बीजेपी के पास तो करोड़ों रुपए है, बीएसपी के पास भी बताया जाता है कि करोड़ों रुपए की पार्टी है, लेकिन आपकी पार्टी भी अभी मैदान में है। आप पार्टी के लिए कैसे धन जुटा रहे हैं, कैसे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं? देखिए, हमारी जो पार्टी है, जैसे हमने कहा कि ये मूल निवासी बहुजनों की पार्टी है, और ये समाज जो है, जहाँ तक इनकी आर्थिक स्थिति है, इतनी मजबूत नहीं है। लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये बहुत बड़ा है, और अगर हमने एक आदमी से अगर एक महीने में अगर 10,000 रुपया, सॉरी, एक आदमी से एक माह में अगर 10 रुपया भी लिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम करोड़ों रुपया इसमें जुटा पाएंगे। और मेरी ये मान्यता है कि एक आंदोलन चलाने के लिए जितना पैसा लगता है, उससे कई गुना ज्यादा पैसा इस माध्यम से हम जुटा लेंगे। और इसलिए हमने ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फंड्स के कूपन्स निकाले हैं, और फिलहाल जब भी हम इलेक्शन पॉलिटिक्स में उतरते हैं, तो हमने इलेक्शन फंड भी निकालने के लिए कूपन्स और रिसीट बुक्स इशू किए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा समाज, अगर जो अपने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना चाहता है, तो ये 10 रुपया हर महीने देने के लिए कोई उनमें संकोच नहीं होगा, और हम अपने आंदोलन के लिए करोड़ों रुपया जुटा पाएंगे।